आपको सारी बात समझाने के लिए ये कॉइन काफी है। थैंक यू। मान लीजिए मैं आप गवर्नमेंट एजेंसी हैं हो और मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं आपके पास आता हूं और ये कॉइन लेके कि ये कॉइन जादुई कॉइन है, ये जितनी बार भी आप उछालेंगे सीधा हेड ही आएगा, टेल आएगा ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे साबित करके दिखाओ। तो साबित करने के तरीके क्या हैं? आपके पास समय नहीं है कि आप तब तक खड़े होकर देखें जब तक मैं कॉइन टॉस करूं। आप बोलेंगे सारे एविडेंस इकट्ठे कर लो, साबित करो और यहाँ पे जमा कर दो, हम उसको एविडेंस को देखेंगे, अगर वो वैसा ही है तो हम अप्रूव कर देंगे कि एक ऐसा कॉइन है जो हर बार हेड आता है, और फिर आप यू आर ऑथोराइज टू सेल इट, आप उसको बेच सकते हैं जहाँ भी चाहे बेच सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं एविडेंस इकट्ठा कर रहा हूँ, तो एविडेंस इकट्ठा करने का तरीका क्या है? सिंपल, कि इसको मुझे उछालना पड़ेगा, राइट? और उछालेंगे तो आपको रिजल्ट पता ही है, आधी बार हेड आएगा आधी बार टेल आएगा, लगभग ऊपर नीचे। तो जब मैं इसको उछालूंगा तो मैं एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूँ, तो उसको बाद में दिखाना है मुझे, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग ले जाता हूँ और सबमिट कर देता हूँ एज जो गिवन फॉर्मेट में, और उसमें दिखाता हूँ कि देखिए जितनी बार मैं इसको टॉस कर रहा हूँ उतनी बार वो हेड आ रहा है, और एविडेंस मैंने प्रूव कर दिया और इस कॉइन को मैंने लॉन्च कर दिया और लोगों के बीच में, और लोग इसको खरीदने लगे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने की कोई चांस है क्या? कहीं कोई टेम्परिंग का कोई स्कोप है क्या? कहीं कुछ घोटाला हो सकता है क्या? वो क्या है? वो आपको आइडिया है कि मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्या किया, कि जो आधी बार जो नेगेटिव आ रहा था वो टेल आ रहा था, उसको एडिट करके उसको मैंने दिखाया नहीं, वो रिजल्ट को मैंने छुपा लिया, और जो पॉजिटिव वाला रिजल्ट है उसको इकट्ठा कर लिया, नेगेटिव के दो चार भी डाल दिए बीच में, और ये प्रूव कर दिया कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इट इज हेड, सो इट कैन बी सोल्ड लाइक अ कॉइन विच कैन गिव यू हेड 90% ऑफ द टाइम, राइट? और दैट इज वॉट इज हैपनिंग। तो दैट इज द ट्रूथ ऑफ द करेंट मेडिकल साइंस। और ये बात आज से चार साल पहले तक, चार या पांच साल हो गए इस चीज को, नहीं पता थी। आप अगर एक गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाएंगे, clinicaltrials.gov यूएस के गवर्नमेंट का, तो क्लिनिकल ट्रायल जब भी होते हैं पूरे दुनिया में, और उसकी ट्रायल से पहले रजिस्ट्री होती है कि आप बताते हैं कि ये ट्रायल मैं करने वाला हूँ, इस दवा का ट्रायल करने वाला हूँ, फिर वॉलेंटियर्स होते हैं जो लिख के देते हैं कि ये ट्रायल हम पे हो जाए तो मैं वॉलेंटियर कर रहा हूँ फॉर अ मनी। फिर वो ट्रायल होते हैं, और ट्रायल का नियम है कि विद इन वन ईयर वो ट्रायल का नतीजा कुछ भी हो उसको आपको सबमिट करना है, उसको आपको मेडिकल जर्नल में पब्लिश करना है। दैट इज वॉट जो लोग ट्रायल करते हैं वो एक बिजनेसमैन है, उनका सिर्फ काम ये है कि ये ट्रायल से अगर ये सक्सेस हो जाता है तो वो ट्रायल हम पब्लिश करेंगे, और पब्लिश रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप देंगे, एफडीए को सौंप देंगे, एफडीए उसके बेसिस पे अप्रूवल दे देगा, और वो अप्रूवल होने के बाद उसको ह्यूमैनिटी में, ह्यूमंस में उसको सेल करने योग्य हो गया, वो मिल गया, तो देन इट कैन बिकम ए बिजनेस। दैट्स वॉट इज द मॉडल, और ये मॉडल चल रहा है पिछले करीब अब तो 100 साल हो गए। दिस इज द मॉडल इन द वर्ल्ड। जब भी अगर आपको भी कोई दवा लानी हो तो पहले क्लिनिकल ट्रायल में जाके ट्रायल करके दिखाना होगा, पहले रजिस्ट्री करनी होगी। अब क्या है कि जब ट्रायल करना है, मान लो एक दवा आपने खोज निकाला, एक मॉलिक्यूल, एक नया ड्रग आपने निकाला, तो आपको ट्रायल करके इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इट इज़ वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम ये काम करेगा, कुछ टाइम नहीं भी काम कर सकता पर ज़्यादातर टाइम काम करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक आइडिया ये है कि इस कॉइन की तरह आपने कई सारे ट्रायल कर दिए, और उनमें से जाहिर है कई सारे ट्रायल, आधे ट्रायल नेगेटिव भी आ सकते हैं, उनको आपने हाइड कर दिया, राइट? वो ट्रायल को आपने दिखाया नहीं किया, उसको उसको पब्लिश ही नहीं किया। पब्लिश करना ना करना वो आपके हाथ में है, राइट? क्योंकि वो ट्रायल आप ही कर रहे हैं, उसका कंट्रोल आपके ही हाथ में है, राइट? उसको पब्लिश नहीं कराया, उसको रजिस्टर शुरू में कर दिया, क्योंकि रजिस्टर किया बिना ट्रायल तो शुरू हो ही नहीं सकता, इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड फर्स्ट, राइट? तो पहले रजिस्टर कर दिया, लेकिन जब रजिस्टर कर रहे हैं तब ये नहीं पता इसका नतीजा क्या आएगा, और जब नतीजा या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। द मोमेंट इट इज नेगेटिव तो उसको फिर आगे पब्लिश नहीं कराई, उसकी बात गोलमोल कर दिया, उसको कभी पूछा भी नहीं। 2012 में इसका खुलासा हुआ, सारे ट्रायल जितने हैं जब से एफडीए बना तब से सारे ट्रायल को इकट्ठा किया, और देखा गया कि 50% एग्जैक्टली 50% ऑफ द ट्रायल आर नेवर बीन रिपोर्टेड, उनका रिपोर्टिंग हुई नहीं कभी। फिर उन ट्रायल को ट्रैक किया गया कि देखें तो वो ट्रायल कहाँ पे, उसके एविडेंस क्या है, तो पाया गया कि वो वाले ट्रायल है, 95% ऑफ द ट्रायल जो रिपोर्ट नहीं हुए, दोज आर द ट्रायल दोज हु वर शोइंग द नेगेटिव रिजल्ट, जिनका रिजल्ट क्या नेगेटिव था। अगर वो ट्रायल भी अगर शामिल हो जाते तो
आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भी दवा, जितनी भी दवा आपका नाम जानते हैं, आप कभी खाया हो या खा रहे हैं, एक भी दवा आज मार्केट में हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, राइट। इसी का रिजल्ट यह है कि मान लीजिए मैंने साबित कर दिया कि ये हेड है, फिर आपने ये ट्रायल से पास हो गया और फिर ये दुकान बिकने लगा, आप इसको यूज़ करने लगे, तो चाहे मैंने गवर्नमेंट से छुपा लिया, एफडीए से छुपा लिया, लेकिन जो जब आप एक्चुअली इसको यूज़ करेंगे तो भी क्या हर बार हेड आएगा? तब तो नतीजा सामने आएगा ही, और वो लेकिन जब तक सामने आएगा तब तक दो चार साल बीत चुके होंगे, और तब तक मैंने पैसा कमा लिया, और तब तक फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, वो क्या कर सकती है ज़्यादातर, इसको बैन कर देगी। लेकिन बैन करने का जो मेडिकल इंडस्ट्री में जो प्रोसेस है, कोई दवा अप्रूव होने के बाद बैन करने का जो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम दैट इज अबाउट 16 to 18 ईयर्स, राइट। दवा मार्केट में आई और उसके बाद एडवर्स रिएक्शन पता करने के लिए पता होता है, इट टेक्स अबाउट 4 to 5 ईयर्स। आपने आज जो दवा खाया, इसका एडवर्स रिएक्शन आप पे क्या होगा, वो आज तो थोड़ा बहुत पता चलेगा, इन द फॉर्म ऑफ हेडेक, इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशन, इन द फॉर्म ऑफ स्टमक एक, इन द फॉर्म ऑफ वीकनेस या फिर एलर्जी, लेकिन एक्चुअल एडवर्स रिएक्शन क्या होगा वो आज से ऑन एवरेज चार साल दो महीने तब पता चलेगा। लेकिन तब तक लाखों लोगों ने ऑलरेडी वो दवा खा लिया है और सिमल्टेनियसली उनको वो एडवर्स रिएक्शन ऑलरेडी होना शुरू कर दिया है, और वो एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग हुई, रिपोर्टिंग होने के बाद एफडीए का अपना प्रोसेस है, इट विल टेक सम ईयर्स कि उस रिपोर्टिंग को प्रूव करके फिर लॉ को अप्लाई करके फिर उस मेडिसिन को बैन करना, तो वो पूरा जो एक साइकिल है दैट साइकिल इज अबाउट 12 years to 16 years to 18 years, 18 साल। और 18 साल काफ़ी होते हैं एक दवा को बैन, एक दवा को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, सारा उसको निचोड़ने के लिए, और उसके बाद वैसे भी वो जेनरिक दवा बन जाएगा तब वो उस कंपनी का वो इंटरेस्ट का रहेगा भी नहीं, राइट। तो तब तक वो दूसरी दो दवाइयाँ और ढूंढ के उसको मार्केटिंग भी कर चुका है, राइट। तो दैट इज़ द ट्रूथ। आज जो दवा आप खा रहे हैं इस वक्त, आप में से सब के सब कोई ना कोई छोटी मोटी दवा ले ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन, राइट, कि हार्ट अटैक से बचाएगा या ब्लड प्रेशर से बचाएगा, कुछ हो ना जाए ले लें, राइट। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दवा खाने की वजह से आप जिंदा नहीं हैं, मुझे हैरानी है कि दवा खाने के बावजूद भी आप जिंदा हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास जो पेशेंट आते हैं 19 गोलियां 20 गोलियां, पूछता हूँ तो पिछले 10 साल से खा रहे हैं, 20 साल से खा रहे हैं, मैं हैरान हूँ तब भी ये जिंदा है और चल के भी आया है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। आज मान लो इससे जो भी तीन घंटे का जो लेक्चर है हमारा, 2 घंटे का ये लेक्चर होगा, राइट, और उसके बाद 2 घंटा या पौने 2 घंटे उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। क्वेश्चन आंसर राउंड मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको मानना नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको मानना है, आपको क्वेश्चन करना है, राइट। तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे थ्रू आउट दिस सेशन, जितने भी सवाल आएंगे आपको लिखना है, आपके पास एक फीडबैक फॉर्म है, उसके नीचे क्वेश्चन लिखने की जगह अलग है, वहाँ लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि इस दौरान भूल भी जाएं आप, और अगर इस दौरान उस सवाल का जवाब नहीं मिल गया ऑटोमेटिकली तो वो जो पर्ची है वो आप सबमिट करेंगे यहाँ पे, एंड आई विल टेक वन बाय वन और उनको मैं देन आई विल आंसर, उस आंसर से भी संतुष्ट नहीं है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मतलब ये इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन में मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ आपसे, और सबसे अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पे 3 दिन का मौका मिला, 3 दिन का, नॉर्मली जाता हूँ तो 1 दिन में गया और जो भी बोला और बोल के आगे चले गए, लेकिन 3 दिन काफ़ी होते हैं रिजल्ट को देखने के लिए, राइट। तो अगर आपको रिजल्ट देखना है तो 3 दिन काफ़ी होते हैं, तो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको 3 दिन करना भी है, और 3rd दिन वो रिजल्ट भी सामने आ जाएगा कि ऐसा होता है या सिर्फ बातों में अच्छा लगता है, राइट। सो सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे वी आर देयर फॉर 3 डेज, नॉट जस्ट 1 डे, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो यहाँ पे आज का जो है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, तो टुडे द फर्स्ट डे, राइट। तो आज घर जाके अगर आप डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की दवा छोड़ देंगे जो कि आप पिछले 10 साल से ले रहे थे, 15 साल से ले रहे थे, कोई 20 साल से ले रहे थे, तो क्या होगा, क्या होगा अगर ऐसा करेंगे तो, और ऐसा सब लोग करेंगे तो बस एक ही चीज़ होगा, वो कंपनियां बंद होने लगेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये मैं पक्का बता रहा हूँ, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। लेकिन एक बात आपको ध्यान से समझना है कि क्योंकि आप वो दवा कई साल से लेते आए हैं तो आपके बॉडी ने अपने आप को उस दवा के हिसाब से ढाल लिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, आपको उस दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंस यू हैव बीन टेकिंग इट फॉर सो लॉन्ग तो आपके बॉडी ने, आपकी बॉडी का आधार यह है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो अपने आप को ढाल लेता है, राइट, रीएडजस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंसुलिन लेते रहेंगे तो बॉडी क्या करेगी कि इंसुलिन बनाने की
को थोड़ा कम करेगी, सिंस यू आर ऑलरेडी टेकिंग इंसुलिन, सो बॉडी की जो इंसुलिन की अपनी प्रोडक्शन है उसको कम करेगी ताकि बॉडी बाहर की इंसुलिन को एकोमोडेट कर पाए, राइट? और कम करते हुए कई साल निकल गए हैं, अब अचानक अगर आप इंसुलिन छोड़ेंगे राइट नाउ तो बॉडी के लिए झटका लगेगा एंड तब थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट और डिफिकल्टी वो आ सकती है। इसलिए छोड़ना एक आर्ट है कि हम ऐसे छोड़ें बॉडी को बता के, देखो भाई आज रात को मैं छोड़ने वाला हूँ, राइट? तो बॉडी बोलेगा एक बार रुक जाओ, पहले मैं आज मैं फैक्ट्री, इंसुलिन की फैक्ट्री का नाम क्या है, पैनक्रियास को मैं बोल देता हूँ कि आज से प्रोडक्शन चालू करना है, तो आज से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो आज तो पहला ही दिन है, तो कल का ब्लड शुगर ठीक आएगा, है ना? तो वो कैसे बॉडी को बताना है कि आपको आज से ये दवा मिलने नहीं वाली, आपको अपने पैरों पर ही खड़ा रहना है और वो रीएडजस्टमेंट करनी है, दैट इज समथिंग विच इज आर्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स वॉट यू आर गोइंग टू डू इट। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग तब है जब इसको आप घर में जाके आज इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट आप तब कर पाएंगे जब आप पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे एंड सेकेंड इज वेन यू एक्सेप्ट इट, और एक्सेप्ट तब करेंगे जब आप सहमत हो जाएंगे और क्वेश्चन आंसर पूछ के अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तभी हो सकता है। क्योंकि जो भी आप सुनने जा रहे हैं इट इज गोइंग टू बी इन कॉन्ट्रडिक्शन विद वॉट यू हैव बीन हियरिंग सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स, जितना भी कुछ आपने सुना उसका कुछ अपोजिट ही आप सुनने वाले हैं नॉर्मली, राइट? तो दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो अक्सर बीमार रहता है। कभी आपने देखा कोई बिल्ली को हार्ट अटैक हो गया हो, कोई कुत्ता है डायबिटीज का, या कोई गाय है हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां इंसान के लिए है, इंसान ही इससे सफर करता है। आज से 100 साल पहले, टुडे इट इज 2018, जब 1918 था तब इंसान, तब ये डायबिटीज नाम था भी नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल नाम का कुछ होता ही नहीं था, हाइपरटेंशन, देयर वाज नथिंग कॉल्ड हाइपरटेंशन। बाय द टाइम इट वाज 1940s तक आए तब कुछ कुछ केसेस दिखने लगे हार्ट अटैक के, हार्ट की बीमारी के। सो जैसे जैसे बीमारियां आती रहती हैं दुनिया में, तो साइंस क्या करता है, जिसे हम साइंस बोलते हैं, उसका कोई ना कोई दवा के रूप में आंसर ढूंढता है, आंसर इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन क्या हो सकता है इसका जो इमीडिएटली हमें कुछ रिलीफ दे या कुछ ऐसा लगे कि ये सोल्यूशन है। तो जब हार्ट की बीमारी आई, जो कि 1940 में धीरे धीरे आने लगी, तो हार्ट की बीमारी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे दवा की खोज भी बढ़ती गई। 1942 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, दैट इज़ अ 150 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी, उसने दवा खोज किया। लेकिन दवा लॉन्च करने से पहले, इंसान पे ट्राई करने से पहले कहाँ ट्राई करना होगा, इट हैज़ टू बी ट्राइड ऑन एनिमल्स, जानवरों पे। लेकिन हेल्दी जानवर पे ट्राई करेंगे तो कुछ आंसर नहीं मिलेगा, ऐसे जानवर ढूंढने हैं कि जिनको हार्ट की बीमारी हो। और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, उनको पूरे दुनिया में से एक भी ऐसा जानवर नहीं मिला जिनको हार्ट की बीमारी हो। तो ट्राई कैसे करें, किस पे ट्राई करें, तो उन्होंने क्या किया, हेल्दी मंकीज। और उस समय की बात करें या आज की बात करें, पूरे दुनिया में हार्ट के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं वो भारत में। अगर WHO के अनुसार अगर 60% ऑफ द, अगर 100 लोग आज हार्ट की बीमारी से मरते हैं, 60% ऑफ देम आर इंडियंस, आज भी और तब भी, राइट? तो न जाने कैसे उन साइंटिस्ट को लगा कि भारत में न जाने कुछ ऐसा है, उनकी मिट्टी में शायद कुछ है कि यहाँ पे हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, तो शायद भारत के बंदरों को भी हार्ट की बीमारी दिलाना आसान होगा। तो 15 भारत के से मंकीज उन्होंने इम्पोर्ट किए और ये डिसाइड किया कि अगले कुछ समय तक इनको ह्यूमन लाइफस्टाइल में रखेंगे, इस उम्मीद से कि कुछ समय बाद इनको भी हार्ट की बीमारी हो जाएगी, फिर दवा दे के इन पर टेस्ट किया जा सकता है। तो ये चलता रहा, तो उन मंकीज का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वही वाला जो लाइफस्टाइल आपका है, सुबह उनको चाय बिस्किट मिलने लगा, उसके बाद ब्रेड मिलने लगा, उसके बाद पकौड़े मिलने लगे, नूडल्स मिलने लगे, रोटी मिलने लगी, और बिल्कुल जैसा लाइफस्टाइल आपका इस वक्त है। और ऐसा चलता रहा कुछ समय तक, कुछ साल तक, एंड बाय द टाइम इट वॉज 1952, एक भी मंकी को हार्ट की बीमारी हुई नहीं। इसके बावजूद भी साइंटिस्ट लोगों को बड़ा दुख हुआ और बड़ा गुस्सा भी आया उन बंदरों पे, और गुस्से में वो बंदरों को डराने लगे, धमकाने लगे, डंडा लेके पीछे भागने लगे उनको मारने के लिए, ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए साइंटिस्ट, एंड रातों को जगाने लगे, उनको जगा के रखने लगे। बाय द टाइम इट वॉज 1957 एक बंदर को हार्ट अटैक आ गया, और साइंटिस्ट को बड़ी खुशी हुई, कम से कम हमने एक बंदर को हार्ट अटैक तो दिलाया। बोलने का मतलब मैं ये है कि एनिमल्स में हार्ट डिजीज होना या हार्ट अटैक आना इज नियर इम्पॉसिबल, और इंसानों की बात करें और यहाँ पे बात करें, करीब हम लोग सब मिला के, मुझे मिला के पूरा ऑडिटोरियम भरा है, मुझे डॉक्टर गुलाब ने बताया 1000 सीट है यहाँ पे, तो मुझे मिला के करीब यहाँ पे 1000 लोग हैं, तो हम में से करीब 300 लोग, 350 लोग इंक्लूडिंग मी आर गोइंग टू डाई ऑफ हार्ट डिजीज़,
राइट, वो 350 लोग कोई भी हो सकते हैं, तो इंसान में हर तीसरा इंसान हार्ट की बीमारी से मरता है, राइट। अब देखिए हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेडिकली इसको बीमारी नहीं बोलते हैं। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का एक लेवल से ऊपर रहना, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और ब्लड शुगर का मतलब, डायबिटीज का मतलब एक नंबर से, एक आंकड़े से अगर शुगर का नंबर ज़्यादा आया, हेल्थ कैसी उसे कोई मतलब नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन एक नंबर से, एक नंबर आपको दे देंगे उससे अगर आंकड़ा ज़्यादा आया तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़। और दुनिया में देखा गया है ऐसा कि जिन लोगों का ब्लड शुगर एक नंबर ज़्यादा रहे और लंबे तक समय तक रहे, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, दे देमसेल्फ इटसेल्फ आर नॉट ए डिजीज़, वो अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसा रहना और लंबे समय तक रहना से हार्ट की बीमारी, किडनी फेलियर ऐसा हो जाता है, आँख खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, एक नंबर, एक दायरे के अंदर रखना चाहते हैं। ये है प्रेजेंट क्राइटेरिया, ये है प्रेजेंट कंसेंसस। दो चीज़ें हैं, एक तो क्या हम पे काम करती है वो एक अलग बात है, और क्या कन्वेंशनली माना गया है वो एक अलग बात है। दोनों चीज़ एक हो भी सकती हैं, दोनों चीज़ एक नहीं भी हो सकती हैं। ये डिसाइड कौन करेगा? सिर्फ एक इंसान करेगा, वो है आप खुद, क्योंकि वो आपकी सेहत है, किसी की सेहत नहीं है। इट इज़ योर हेल्थ। और पूरे हमेशा अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही इंसान अपने साथ रहता है, आपके साथ रहता है, वो है आप खुद। तो आपसे ज़्यादा आपके हेल्थ के बारे में दुनिया में कोई नहीं बता सकता, कोई मॉनिटर, कोई मशीन, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, राइट। मान लीजिए आपको हेडेक है, कौन सा MRI बता देगा कि आपको हेडेक है? वो आप ही बताएंगे ना, मुझे हेडेक है। अगर डॉक्टर बोलता नहीं आपको हेडेक नहीं है, आप बोल रहे हैं, तो किसकी बात मानेंगे? सो एक्चुअली आप देखें, जो डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस करने की जो ताकत है, वो सिर्फ इंसान के पास है, उस इंसान के पास जो कि उस इंसान अपने अंदर रहता है। कोई और डायग्नोस नहीं कर सकता, और कोई और एक आंकड़ा दे सकता है, वो आंकड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, और मिसलीडिंग हुआ, उस आंकड़े को रेफरेंस मान के आप दवा लेने लगेंगे, तो आपने ऑलरेडी बीमारी का रास्ता चुन लिया है। तो वो रास्ता किस तरह से चुनते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक मेडिकल कॉलेज महासा, मलेशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, और वहाँ मुझे इन्वाइट किया गया लेक्चर देने के लिए, और मैं थोड़ा पहले पहुँच गया, तो मेरे से पहले ऑलरेडी एक लेक्चर चल रहा था इसी टॉपिक पे, और वो एक प्रोफेसर का था। तो वो कैसे पढ़ाई होती है उससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए किस तरह से हम बीमारियों को इन्वाइट करते हैं। तो महासा मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर का एक लेक्चर कुछ, मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, राइट, नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज नहीं, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट है, आज आपका पहला दिन है और मैं आपका प्रोफेसर हूँ, तो कैसे पढ़ाई होगी? ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट डे ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, एंड यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेडिसिन, एंड विल स्टार्ट विद हाइपरटेंशन। हम हाइपरटेंशन से शुरू करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर शुरू करेंगे, और हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है, और हाई ब्लड प्रेशर कई सारे दवाइयाँ हैं, कई सारे टाइप ऑफ दवाइयाँ, उनमें से एक दवाई की आज बात करेंगे, डायुरेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है और सबसे ज़्यादा सेफ है भी। इसमें डिस्कम्फर्ट सबसे कम होता है, और ये दवा देते ही एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, राइट। तो इसमें लेकिन फिर भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं इसमें पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इम्पोटेंसी हो सकती है, एबनॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, जॉइंट पेन, लेथार्जी, टायर्डनेस, वीकनेस हो सकता है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं। अगर पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे इम्पोटेंसी हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास दवा है वायग्रा, लेकिन वायग्रा देने के बाद भी थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, उससे वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आता है बोलता है कि मैंने वायग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, तो आप उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है पैरासिटामोल, और पैरासिटामोल लेने से भी कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी रिएक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हर चीज़ के लिए हमारे पास एक दवा है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडाइजेशन की बात करता है, इमीडिएटली हम उसको दे देंगे ज़ैंटेक, और ज़ैंटेक देंगे तो हो सकता है कि वो वापस आए, बोले कि मुझे तो इंसोमनिया हो गया, नौजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ये होता ही है उससे, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवाई है, राइट। ठीक इसी तरह से एबनॉर्मल रिदम वाले को आप प्रॉन्स्टाइल दे देंगे तो उनको डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट का अगर वो कंप्लेंट लेकर आएगा तो इमीडिएटली उसको इमोडियम दे देंगे, और इमोडियम देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस तो होगा ही, एबडोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवा है, राइट। तो इस तरह से
दवाई की लिस्ट बढ़ती जाती है, एट द एंड ऑफ द डे वो पेशेंट भूल जाता है मैं किस वाली बीमारी के लिए गया था। उसको सिर्फ इतना याद रहता है कि मुझे सुबह क्या खाना है, कौन सी दवा, दोपहर को कौन सी दवा, रात को कौन सी दवा, और कुछ तो आधी रात को कौन सी दवा, अलार्म लगा देते हैं आधी रात को भी उठते हैं, राइट। तो वो दवा खाने लगते हैं लाइक ए फूड, राइट, दिन रात, और लगता है कि इस दवा की वजह से मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं बचा हुआ हूँ। तो अब आप खुद ही समझ रहे हैं कि आपने इनवाइट किया द द द प्रॉब्लम। एक बात जो मैंने इसका ये हटा देते हैं अभी ना, इट इज डिस्ट्रैक्टिंग। एक बात मैंने आपको शुरू में बताई कि जितनी सारी दवाइयाँ, मैं किसी एक दवाई की बात नहीं कर रही, जितनी सारी दवाइयों के नाम आप जानते हैं, जितनी सारी दवाइयों को कभी देखा या लिया है, हर दवाइयों का अगर हम केस स्टडी करें तो पाएंगे कि 50% ऑफ द साइड इफेक्ट जो थे, जो नेगेटिव पार्ट, जो कॉइन का जो टेल पार्ट है, वो उन्होंने हाइड कर दिया, इसीलिए वो दवा दुनिया में आई है। लेकिन दुनिया में आने के बाद जब लोग लेंगे तो साइड एडवर्स रिएक्शन होगा, एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग होने के बाद वो FDA में जाएगा, फिर लॉ उसको जांचेगा और वो 18-20 साल बाद दवाइयाँ बैन हो जाएंगी, राइट। तो ये एज इफ कि आप एक मोहरा है और एक बिजनेस चल रहा है उस आप पार्ट है। तो दवा लेना एक बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल बात है आजकल के टाइम पे, अगर हम बात करें मॉडर्न मेडिसिन की, इट इज़ एन इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ओन हेल्थ, राइट। आप बीमारी इसलिए हैं क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की थी, शुरुआत गलत की। मान लीजिए आप जाना चाहते हैं आगरा, राइट, एक डायरेक्शन गलत हो गया, फिर चाहे कितना भी आप ध्यान से जाएंगे वो डायरेक्शन गलत ही होता जाएगा, गलत ही होता जाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं आपको रोकना होगा। जो हेल्थ का रास्ता है वो दवाई के रोकने के बाद ही आ सकता है, दवाई के साथ हेल्थ का रास्ता तो आ नहीं सकता। अगर आना होता तो पिछले 20 साल से, 30 साल से, कुछ लोग 40 साल से दवा ले रहे हैं तो आज तो वो सबसे हेल्दी होते हैं ना, राइट। तो ये बात आपको, यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड दिस। तो अब यहाँ पे क्या करना है, व्हाट शुड वी डू एट दिस स्टेज, यहाँ तक तो है लेकिन अब क्या करना है, आज घर जाके क्या करना है, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने से मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हम क्या करें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। जो भी इंसान इस दुनिया में आएगा, आया है, कभी ना कभी तो जाएगा ही, लेकिन बीमार पड़ के, सड़ के, दर्द के साथ, पूरे दिन भर में हमेशा हमने पैसे भी गंवा दिए, तो इतने पेनफुल तरीके से लास्ट के कुछ साल बिता के जाना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जीवन के आखिरी दिन तक भी हम हेल्थी रह पाएँ। अगर तो पहले तो बीमारी ना नहीं है तो ना हो, और अगर है तो वो कैसे, हाउ वी कैन बी फ्री ऑफ इट। उसको समझने के लिए पहले तो वो समझना है। वंस यू अंडरस्टैंड देन यू बिकम द ड्राइवर ऑफ योर ओन कार, योर कार इज़ योर बॉडी, राइट। सो उसको समझने के लिए आप सिर्फ एक उदाहरण पर गौर कीजिए। आज ब्लड प्रेशर शुरू करने बोला है मुझे, तो मैं ब्लड प्रेशर की बात का एक एक करके ख़त्म करते हैं, राइट। सारी बीमारियाँ आएंगी इन 3 दिनों में, कोई बीमारी ऐसा नहीं है कि जो नहीं आएगी। वैसे तो टोटल 8,000 तरह से बीमार पड़ सकता है इंसान, लेकिन उसको बेसिक 5 तरीके से ही हम उसको सुलझा सकते हैं। तो वो 5 तरीके इन 3 दिन में आएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो ब्लड प्रेशर है। अब आप क्या करते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक कराने, राइट। स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको, राइट। और जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जितना बूढ़ा डॉक्टर उतना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, जितना महंगा हॉस्पिटल उतना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, राइट। जितना ज़्यादा डिग्री उसके बाहर लिखा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर। अब डॉक्टर चेक करेगा आपका ब्लड प्रेशर, बोलेगा देखो यार आपकी ब्लड प्रेशर तो इतनी ज़्यादा है, ये वाकई में हाई है, राइट। वो बोलेगा और ये दवा ले लो, वो कर लो, और जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, राइट। सो आंकड़े कहते हैं कि 80% अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी 1987 ऑफ पेशेंट हैव हायर रीडिंग इन द डॉक्टर्स ऑफिस, राइट। सो दैट इज कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम मतलब सिंपल भाषा में सफेद कोट देखते ही ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, राइट। तो ये ब्लड प्रेशर जैसे मैं बोला कोई बीमारी नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ हमारे लिए प्रोटेक्टिव मेजर है। मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, अचानक मैं उधर देखता हूँ एक सांप आ गया, अब क्या होगा, एकदम से मैं घबराऊंगा एकदम से, राइट, और मैं जंप करूंगा, मैं अलर्ट हो जाऊंगा। इस वक्त अगर कोई मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो कितना मिलेगा, 200/100 या 300/200, कुछ भी मिल सकता है। तो क्या मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, आई एम नॉट ए ब्लड प्रेशर पेशेंट, राइट। वो तो मुझे अलर्ट करने के लिए, इमेजिन कीजिए एक ज़ीब्रा जंगल में है, अचानक उसको एहसास होता है कि एक शेर आसपास ही है, तो क्या होता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें ज़्यादा देख पाती हैं, उसके धड़कने बढ़ जाती हैं, तो उसके पैर और ज़्यादा तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए या भागने के लिए, राइट। तो ये नेचर का दिया हुआ एक प्रोटेक्टिव टूल है हमारे बॉडी को, हाई ब्लड प्रेशर, राइट।
तो उस हाई ब्लड प्रेशर में हमारे सारे ऑर्गन अलर्ट होके उस इमरजेंसी सिचुएशन से हम कैसे बचें, कैसे भागें, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आता है। वो तभी हो सकता है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ी से हो, न्यूट्रिशन जगह जगह पे जहाँ ज़रूरत है सबसे ज़्यादा जिन मसल्स को वहाँ पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे, दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। यानी कि जैसे आप डॉक्टर के चैम्बर में हैं, आपके ब्रेन ने अलर्ट कर दिया, राइट, तो आपको क्या करना है, भागना है वहाँ से जीब्रा की तरह, लेकिन आप वहीं बैठे रह जाते हैं, राइट। तो आपके ब्रेन ने तो अलर्ट किया था। अब मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ कि चलो भाई, डॉक्टर से अगर पूछेंगे भाई कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, मैं तो ज़िंदा रहना चाहता हूँ 100 साल, क्या क्या नंबर बोलेंगे डॉक्टर, कोई भी 120/80, राइट, कि भाई 120/80 ले आओ तो आपकी लंबी आयु होगी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ के चांसेस कम होंगे, किडनी फेलियर के चांसेस कम होंगे। तो मैंने अपने बॉडी में कुछ ऐसी फिटिंग कर दी, ऐसी सेटिंग कर दी कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है 120/80 पे रहता है हमेशा, बिल्कुल परफेक्ट, बिकॉज मैं लंबा जीना चाहता हूँ। अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अचानक मैंने देखा पीछे एक सांप आ रहा है बड़ी तेज़ी से, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, ठीक है आने दो, मतलब मेरे अंदर जो डर का आएगा, जो इमरजेंसी आएगी, जो अलर्टनेस आएगी, वो अलर्टनेस ब्रेन तभी देगी। ब्रेन क्या करती है, हार्मोन बनाती है, वो हार्मोन को ब्रेन बोलती है, केमिकल को, कि फटाफट इस हार्मोन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है। वो तभी तो होगा ना जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन मेरी तो सेटिंग 120/80 पे है, राइट, तो मैं तो खड़ा ही रह गया कि चलो आने दो, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट ए प्रॉब्लम, नॉट हैविंग हाई ब्लड प्रेशर कैन बी ए प्रॉब्लम समटाइम्स, राइट। सो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, कि ब्लड प्रेशर को हमें अंडरस्टैंड करना होगा एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर। आपका आप देखिए, मान लीजिए ओलंपिक के रेस में आप खड़े हैं, ऐसे करके खड़े हैं, दौड़ने के लिए बहुत सारे और भी एथलीट खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, और वहाँ से आवाज़ आ रही है 4, 3, काउंटिंग होती है ना, 2। अब 2 की आवाज़ आपके कान में गई, अभी आप खड़े ही हैं सिर्फ, इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा या इस वक्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, फर्स्ट या सेकेंड, ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन याद रखिए, आपने कुछ किया नहीं है, आपने अभी हिले भी नहीं अपनी जगह से, लेकिन ब्लड प्रेशर कितनी तेज़ी से हो गया, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर इज वॉट, आपका बॉडी प्रिपेयर कर रहा है आपको वो आने वाले चैलेंज को फेस करने के लिए, इज़न्ट दैट राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। और अगर ब्लड प्रेशर अगर उतने का उतना ही रहेगा तो जाहिर है कि आप जीत नहीं सकते रेस को, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर हाई रहता रहे, राइट, काफ़ी समय तक, तो हो सकता है कि दिक्कत है। तो कंसिस्टेंटली हाई कब रहता है और कब टेम्प्रोरी हाई रहता है, टेम्प्रोरी हाई मतलब जब ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं उस वक्त हाई, कितने परसेंट लोगों को उस वक्त हाई होता है, मैंने बताया था अभी 80%। यानी कि अगर आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं कि 80% वो लोग जो अभी दवा ले रहे हैं, हो सकता है कि उनको ब्लड प्रेशर था ही नहीं, इट वॉज जस्ट अ टेम्प्रोरी व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट, वो टेम्प्रोरी व्हाइट कोट सिंड्रोम ही था। पहली बात तो व्हाट, ब्लड प्रेशर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आपको मेजर करने की ज़रूरत हो, जिसको मेजर करना भी चाहिए, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी मिसलीडिंग। अब बाएँ हाथ का करेंगे एक अलग आंकड़ा आएगा, दाएँ हाथ का करेंगे एक अलग आंकड़ा आएगा, राइट, तो दैट इज़ मिसलीडिंग थिंग। आप अगर आपके बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है तो बॉडी खुद ही बताएगी, कैसे उसको समझना है यही हमें समझना है आज के इस कार्यक्रम में। इसमें उसके लिए मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपसे। पहला, एक कन्वेंशनल सेटिंग में आज से पहले, इस आज के दिन से पहले अगर आपसे पूछता है सवाल, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, या फिर रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, कौन सा सही है इसमें से, पहला या सेकेंड? सेकेंड, राइट। अब देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कौन सा बोलेंगे, फर्स्ट, पेन है, सो डॉक्टर बोलेगा हाई ब्लड प्रेशर तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, राइट। अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए, ये पाइप है आपके पास, यू हैव अ पाइप, आपने टैप में लगा दिया, राइट, टैप ऑन कर दिया, पानी जा रहा है पाइप से, आपने इसको दबा दिया अंदर यहाँ बीच में, तो पानी का प्रेशर, वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा। जितना डायमीटर कम होगा उतना वाटर प्रेशर बढ़ेगा, क्लियर है ये बात। तो अब वाटर को ब्लड बना देते हैं, तब भी ये रूल सेम ही है। तो हमारे ब्लड वेसल में ब्लड जा रहा है और वहाँ पे हार्ट के केस में बात करें तो वह हार्ट में भी ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल की डायमीटर कम होता जा रहा है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ ब्लॉकेज है, राइट, तो उससे वॉल्यूम जो उसका डायमीटर कम हो रहा है, डायमीटर कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
अब दवा देके ब्लड प्रेशर को घटा देंगे तो नंबर कम दिख रहा है आपको मॉनिटर में, लेकिन वो जो क्लॉट है, वो जो ब्लॉकेज है, क्या उसमें कुछ अंतर आया? नहीं आया। तो ये ठीक है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है इसका मतलब आपका ब्लॉकेज है, विच इज नॉट गुड। लेकिन ब्लड प्रेशर को कम करने से, ट्राई नॉट, ब्लड प्रेशर को कम करने से खतरा कम हो गया ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि इंसान के जितने ज्यादा बाल ग्रे दिखेंगे वो सफेद दिखेंगे, यानी कि वो उतना बूढ़ा है। लेकिन इसका विपरीत, अगर सफेद बाल को ब्लैक करने लगे तो बूढ़े का यंग नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? सो हाई ब्लड प्रेशर इज ए इंडिकेशन, अगर लंबे समय तक रहता लगातार रहता है, कि हार्ट में दिक्कत है, ब्लॉकेज।